Hello and what's up everyone, I hope all you guys are doing great. This is your Aish Multani, welcome to my YouTube channel. अपन जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए. टाइम था निकलने का 5 बजे का, अभी टाइम हो रहा है 6:10. अपन लेट इसलिए हुए क्योंकि इस बार अपन जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ घूमने के लिए, और आगे के जो 2 या 3 दिन के व्लॉग्स हैं आपको देखने मिलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट, अपनी फैमिली देखने मिलेगी आपको, और हम अपने फैमिली के साथ कितना फन करते वो देखने मिलेगा. अभी मैं पूरा गियर्ड अप क्यों अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं. तो प्लान कुछ ऐसा है कि एक कैब जाएगी, क्योंकि अपनी फैमिली इतनी बड़ी है, तो एक कैब जाएगी और एक अपना थॉर जाएगा. थॉर पे अब कौन पीछे बैठेगा वो डिसाइड करती है अपनी फैमिली, जिसको भी मर्जी है वो पीछे आके बैठ सकता है, क्योंकि अपन तो गाड़ी के साथ में रहने वाले, फैमिली के साथ में हौले हौले जाएंगे. अब मुश्किल इतनी है कि हमने कैब प्री बुक नहीं करी है, तो अभी कैब की बुकिंग चल रही है, सब हॉल में बैठे हैं रेडी होके, एकदम सामान लेके जैसी गाड़ी आएगी निकल जाएंगे. मैं भी पूरा रेडी हूँ. ननू हाय बोलो. हाय. ये अपनी जैकेट पड़ी है इधर, अपना हाइड्रेशन बैग और अपना हेलमेट, बस इतना ही काम बाकी है. जैसे ही कैब बुक होती है यहाँ से निकल जाएंगे. अभी कितने बजे निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पहले हॉल में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना सामान जा रहा है और पूरी फैमिली किस तरह से एक्साइटेड है. चलो ना, जरा दरवाजा खोलो. निधु, मम्मा, पापा, चाचू, दीदी जिसने कैब बुक नहीं करी, जीजू वहाँ बैठे, चाची और नन्ना से तो आप मिल लिए. अभी जितनी जल्दी कैब बुक होगी उतना अच्छा है, वरना ये मेरे से पिटेगी. सामान वामान सब रेडी है, जैसे ही कैब आती है निकलते हैं और आपको बताएंगे कितने बजे निकल रहे हैं, जुड़े रहिए. ऑलराइट पीपल, फाइनली टाइम अपडेट. 7:30 5:30 निकलने का प्लान किया था मैंने, बोला था 5, पर मैंने माइंड में रखा था कि 5:30 बज जाएगा निकलते निकलते. मुझे क्या पता 7:30 बज जाएगा निकलते निकलते. अभी थाने पे ट्रैफिक शायद मिल सकती है, शायद नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि आज संडे है. आई होप ट्रैफिक ना मिले और अपनी गाड़ी निकल जाए. गाड़ी वो दिख रही है उधर बीच में, अर्टिगा खड़ी है. अभी तैयार होके जाता हूँ उधर ही, रेडी होके डायरेक्ट उधर से दिखाता हूँ गाड़ी. ओके. मैंने बोला था ना अपने को अपना ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा. गाड़ी में सामान सब सेट हो गया, घर वाले भी सब बैठ गए, खाली अपने को रेडी होने का टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि अपन बाइक पे ना, अपन राइडर. चाची, चाचू, एक मिनट, दीदी, निधु, पापा आगे बैठे और आरुष साथ में बैठा है. आपका नाम क्या भैया? प्रवीण. आप भी यूट्यूब पे जा रहे हो, अपन साथ में रहने वाले हैं पूरा ट्रिप पे, ठीक है? प्रवीण है हम अपने अपने कैब ड्राइवर का नाम आज का, और मेरे साथ बैठेंगे जीजू. अभी अपन यहाँ से बिना देर करे निकल जाते हैं. गणपति बप्पा मोरिया. फाइनली टाइम अपडेट 7:39 और अपनी पूरी फैमिली निकल गई है महाबलेश्वर के लिए. दिस इज द फर्स्ट टाइम अपन पिलियन सीट लेके चला रहे, इसकी आदत भी पड़नी चाहिए. हाँ, बैठे ना आराम से, फर्स्ट क्लास. ये रही अपनी फैमिली. और आपके लिए स्टैट्यूटरी वार्निंग, अपना माइक सेटअप नया है. हाल फिलहाल तो अपन विरार के ट्रैफिक से फाइट करके निकलते हैं, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है तो मैं दिखाता हूँ. अपन अभी यहाँ रुके हैं. अभी मैंने पूछा, अपडेट कुछ ऐसा है कि ये पेन से पहले रुके अपन. ये गाड़ी इधर रुकी, जीजू इधर गन्ने का जूस ऑर्डर किया है, अभी पिएंगे क्योंकि गर्मी अब चरम सीमा पे आने वाली है. सॉरी ट्रैफिक है. लोनावाला का रास्ता मुझे दिखा रहा है 5.5 घंटे का रूट, और मुझे ढोलवी का रूट दिखा रहा है 4.5 घंटे का. तो अपन इससे जाएंगे क्योंकि अपने पास बाइक है और अपने को एक्सप्रेस वे पड़ेगा नहीं. 4.5 घंटे का रूट प्रेफरेबल, ठीक है? थोड़ा रास्ता ख़राब है बीच में, थोड़ा थोड़ा पैच वर्क, पर ठीक है, उतना चल जाएगा. व्यू काफ़ी अच्छा है तो मैं व्यू इन्जॉय करते करते गाड़ी चला सकता हूँ. अभी तक थकान हुई नहीं है, 100 किलोमीटर खींच लिया अपन ने. 170 किलोमीटर्स कुछ बाकी है क्योंकि टोटल जर्नी अपनी 270 की है. जनता लोग, गौर फरमाइएगा, रास्ते की हालत दिख रही है आपको.
कम से कम भी नहीं तो ना 15 किलोमीटर से मैं ऐसे ही चला रहा हूँ गाड़ी को, ऐसे ही रास्ता है, इसीलिए मुझे पेन की तरफ आना पसंद नहीं है। यहाँ पे सारे रास्ते खराब है, सारे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सीरी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रही है, और अभी भी 3 घंटा 7 मिनट दिखा रही है। 3 घंटा 7 मिनट ऐसे रास्ते पे चल के कहाँ पहुंचूंगा मैं? सीरी, ये तू मुझे कहाँ लेके आई जंगल में? ये देखो अभी भी दिखा रहा है कि आगे रास्ता है, मैं कहाँ जाऊं? गटर में, खंडर में? अरे भगवान, आज गूगल मैप पे भी गुस्सा आ रहा है मुझे। अपन आ गए खुली सड़क पे, एक अच्छी सड़क पे, टारमैक रोड है ये। हाँ अच्छी लग रही है, गाड़ी को थोड़ा स्पीड मिल रही है। अभी मैंने चेक किया था, ये अभी भी 2.5 घंटा दिखा रहा है। अपन ने पेन क्रॉस कर दिया है, और पेन ने मुझे जितना पेन दिया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी अपन ये कोई तो होटल श्री युव सागर पे रुके हैं, कुछ तो पीते हैं, थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो बोला था ना जब रुके थे कि अभी थका नहीं हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि थका इसीलिए क्योंकि रास्ता खराब था, वरना 170 किलोमीटर्स में अपन थकते नहीं। 170 किलोमीटर्स इज ओके। अभी मैंडेटरी राइड पे एक तो लगता है अपने को, अभी ले लेंगे। अभी रुके ही हैं तो कुछ खा भी लेंगे थोड़ा मोड़ा, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जुड़ रहे हैं अभी थोड़ा सा पूरी भाजी, एक प्लेट लिया है जूस और मैं शेयर करूँगा। जो अपनी कार है, जो अपनी फैमिली, बाकी वो लोग आ रहे हैं पुणे की तरफ से घूम के। स्मार्ट गाय, उसने गाड़ी अच्छे वाले रोड से डाली, तो वो क्योंकि उनको एक्सप्रेस वे भी मिला था, तो लोग घूम के अच्छे वाले रास्ते से आ रहे हैं। वहाँ से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर रास्ता अच्छा है। उनको भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा दिखा रहे, अपने को भी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा दिखा रहे। जल्दी जल्दी खा लेते और निकल जाते। जुड़े रहिए। जब भी रुके थे मैंने क्या बोला था, थोड़ा मोड़ा खाएंगे और निकल जाएंगे। अभी पूरी भाजी ऑर्डर करी ना तो इतना अच्छा बना है, हमने और 4-5 पूरी मंगाई, फुल ओवर ईटिंग। अभी 2.5 घंटे का रास्ता है, कहा तो लिया दबा के। अभी देखते हैं आगे अपने को कुछ सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं कि नहीं। मैं फटाफट रैप अप करते हैं 5 मिनट में, बैक टू द रूट, आपको सीधा गाड़ी पे मिलता हूं। ए भैया, भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नकुल। खाना बहुत अच्छा था। ये भैया के होटल में रुके थे अपन, अभी जो मैंने दिखाया ना हाईवे, सीधा सीधा सनट 2 आवर्स 25 मिनट का रास्ता दिखा रहे। अभी अपन खा पी लिया है, फ्रेश है, तो एक स्ट्रेच में मार सकते हैं। अपन ने लेफ्ट ले लिया, महाबलेश्वर के लिए अपन ने रास्ता डाइवर्ट कर लिया है, और अब जो रास्ते दिख रहे हैं, जो व्यू दिख रहा है, जो नज़ारा दिख रहा है, अपने को ऐसा फील आ रहा है कि अपन हिल स्टेशन में आ गए हैं। बाकी है 55 मिनट्स। इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि अपन घाट पे है, और घाट तो आपने देखा ही कैसा है। ये जीजू उधर खड़े, मैं कब से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक जगह मिले जहाँ से मस्त व्यू दिखे। ओ यहाँ से व्यू तो देखो, ये कैसा वाला फीलिंग आ रहा है पता है? लोनावला पे जहाँ मैं ऊपर टॉप पे खड़े होकर चिल्लाता ना, जहाँ जैसे मुझे जगह पसंद है वैसा वाला मस्त लग रहा है। यहाँ से देखो बारिश का पानी जाने के लिए। अपन एक अच्छे पॉइंट पे रुके, अभी उधर लेके जाता हूँ, रुको। 51 मिनट्स टू गो, 26 किलोमीटर्स, 235 हो रहा है टाइम, 246 किलोमीटर्स हमने कर लिया। ये तो हो गया गणित। अभी आपको मैं अच्छा वाला इधर से व्यू दिखाता हूँ। सुबह से चाय नहीं पीती ना अपन ने, अभी चाय मंगाई है, एक चाय तो बनती है यार राइड पे। अभी व्यू देखना जरा। आदान हुआ, अभी आपको प्रदान करता हूँ। जहाँ पे हम लोग अभी है, जो ये पहाड़ है, ये रायगढ़ जिले में आता है, और जो महाबलेश्वर है वो सातारा जिले में आता है, ये मुझे भी आज मालूम पड़ा है।
मुझे इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। अभी वो सब छोड़ो, अभी व्यू देखो। और पीपल तीन की पहली चाय। इधर जीजू बैठे थक गए पीछे बैठे बैठे, मस्त व्यू के साथ अपन अपनी दिन की पहली चाय पियेंगे दोपहर को। सुबह से निकले थे तो घर से नाश्ता वाश्ता करके निकले थे ना, क्योंकि अपन लेट निकले आपको पता है ना। अभी चाय पीते हैं और अभी प्लान तो कुछ ऐसा था कि वन स्ट्रेच में सीधा होटल पे जाके रुकेंगे। साइलेंसर में से क्या धुआं निकल रहा है, बस बहुत गर्म हो गई गाड़ी। सुबह से जो चली है चली रही है चली रही है, सिर्फ एक ही ब्रेक लिया है, पर 200 किलोमीटर तो आराम से कर लेती है। अपन ने कितना 800 किलोमीटर भी किया दिन में। चाय चीयर्स करेंगे। चलो आ गए अपनी गाड़ी, सामान उतर रहे चाची। सब थक गए। नीतू दीदी नाना हम लोगों ने तो खूब हम लोगों ने तो पूरी फैमिली देखो कैसी थकी हुई। पहले मैं जाता ऊपर रिसेप्शन पे बात करके आता हूँ, रूम वूम लेते फिर आराम से आपसे बात करते। ऐसे होटल का एम्बियंस देख के तो अच्छा लग रहा है, सब पीसफुल। और जैसे अपन महाबलेश्वर में आए थोड़ा ठंडा भी लग रहा है। वो लोग रूम में भेज दिया ऊपर, उधर ऊपर दो रूम उधर है और एक रूम उधर है, दिखा था रूम भी दिखाऊंगा। ये अपना हमेशा का भाग दौड़े दो, हेलमेट और टैंक बैग, मतलब मेरे बॉडी का एक हिस्सा है ये हेलमेट और टैंक बैग। खाने उतरो तो हेलमेट और टैंक बैग, होटल में उतरो तो हेलमेट और टैंक बैग। ये भैया लोग ने मेरी बहुत मदद करी भैया, थैंक यू। अभी मैं थोड़ी देर में आके मिलता हूँ आपको। ओके okay. अभी जैकेट उतार के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मिरर है अपने लिए बड़ा सा, जो अपने को पसंद है अपने रूम में। तीन रूम है अपने टोटल, ठीक है इधर से दिखाता हूँ। तो दिस इज वन रूम, दिस इज टू रूम, और किसी का टंटा ही नहीं, मतलब अपनी फैमिली मस्त आराम से प्राइवेसी में रह सकती है। इधर पापा जी, पापा जी कैसा है रूम? एकदम मस्त। इधर रूम, इधर बाथरूम मस्त, शावर ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सामान रखने की जगह। और इधर दूसरे रूम में इधर जाएंगे तो इधर से मस्त। चाची रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा, मस्त। मम्मा इधर पे भी अपना टॉयलेट शावर एरिया इधर। अभी तीसरा रूम दीदी और जीजू का है। अभी दीदी और जीजू के रूम में भी जाते हैं और उन लोगों को पूछ के आते हैं जरा रूम कैसे है, और मैं भी तो रूम देखूंगा यार। चलो चलो पे भी और इधर पे भी, पर ये अपना नहीं है, अपना सिर्फ एक है इधर। ये इधर रूम में घुसेंगे, सेम रूम है, इधर बाथरूम, इधर मिरर, इधर सोफा और इधर बालकोनी। बालकोनी अपन क्या करेंगे, अपनी गाड़ी इधर किधर लगा देंगे ताकि अपनी गाड़ी आंख के सामने रहे, व्यू तो बहुत अच्छे। अभी प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि पता नहीं कैसा है। अपन एक काम करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं खाना खाना है क्या करना है घूमने जाना है, फिर आपको बताएंगे कि आगे का प्रोग्राम क्या है। और ये देखो और एक ब्लॉगर, हाय, इसको भी ब्लॉगिंग का शौक है ना, अपने गोप्रो में लगा हुआ है ब्लॉगिंग करना। अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ। और आई पीपल टाइम अपडेट 5:57, सामने दिख रही है पीछे पूरी आ रही है दिख रही है ना। अभी अभी अपना थोड़ा प्लान बनाए,
सब रिलैक्स हो गए अभी। कोई तो लेक है इधर अपने होटल से बहुत पास में है ये लेक, वीना ऐसा कुछ तो नाम है लेक का। उधर जाएंगे थोड़ा लेक में बोटिंग थोड़ा चिलिंग। हम लोग को जहाँ जहाँ जगह मिली यहाँ बैठे मॉम डैड, इधर बैठे चाचू चाची निधु, वहाँ बैठे दीदी जीजू, और मैं यहाँ चाय पी रहा हूँ। सब चाय पी रहे लेक के पास। कुछ तूफान ही करेंगे, ये देखो चाची और मैं जा रहे हैं, और यहाँ टिकट फ्री, अपन जाएंगे वो एटीवी चलाने के लिए। अभी कैमरा मैन दीदी को बनाएंगे, ये लोग सब स्पेक्टेटर है ना, ये लोग कैमरा मैन, अपन अंदर गाड़ी चलाएंगे, वीडियो किसी धूम मचाते हैं। चिकन दो प्याज़ा, भुना चिकन, दाल फ्राई, राइस, प्याज, और ऐसा ऐसा कुछ है इधर। अभी मैं खाना खाता हूँ, बहुत भूख लगी है, खाना खाने के बाद करते हैं, जुड़े रहिए। खाना वाना खा के सब डन, अब ये जो सीढ़ियाँ हैं हमारे रूम की तरफ जाएंगे। आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, फैमिली टाइम अच्छा जा रहा है, सो फार ऑल गुड। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो और इस चेहरे को आगे भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस भी चाहिए तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बस इतना ही, एक चीज़ मुझे आपसे बोलनी थी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं जो हमारा वीडियो देखते हैं उसमें से 70% ऑडियंस अपनी अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पर वीडियो हमारे देखते हैं, तो फ्री है यार, सब्सक्राइब करो, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगी, है ना। बस इतना ही, कुछ दिल में आया तो आपसे सोचा कि शेयर कर दिया जाए। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, एंड डोंट फॉरगेट, ड्रीम बिग, ड्रीम